दिल्ली के बुराड़ी के अंतर्गत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हुआ है और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो अपने आप में लोगों के द्वारा ये कहना है कि वो फेल होती नजर आ रही हैं। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को घुसने के लिए मना कर दिया जा रहा है। समय धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का 3 बजे था और वह अभी तक नहीं आए हैं। 4:15 बजे ही लोगों को ये कह दिया गया कि आप अब अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंदर पंडाल फेल हो चुका है। क्या इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने लोगों तक आपने प्रचार प्रसार किया था वहां तक आपकी जो पहुंच आप तक पहुंची थी उनकी आप व्यवस्था अंदर नहीं कर पाए? इसको देखते हुए ट्रस्ट के सामने कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है जी। क्या समस्या आपको आ रही है? समस्या यही आ रही है कि हम अपने बच्चों के साथ आए थे यहाँ पर और हमने सोचा अंदर जाकर के दर्शन करेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन यहाँ से पुलिस वालों द्वारा हमें कहा जा रहा है कि अंदर पंडाल फुल हो चुका है जी, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप कल आइएगा। तो कल भी हम आते हैं, अगर जो हमें अंदर जाने को नहीं मिलता फिर तो हमारा आना बेकार ही रहेगा जी। अगर जो हम इस तरीके से कथा सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं सब लोग कि यहाँ जाएंगे वहाँ पर, इतने टाइम से आ गए हैं हम लोग तो 1 घंटा पहले ही आ गए हैं, अभी बाबा जी आए भी नहीं अंदर और अंदर कह रहे हैं पंडाल फुल हो चुका है, अंदर हमें नहीं जाने दिया जा रहा, सबको यहीं रोक दिया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे भीड़ सारी रुकी हुई है, पूरे पुलिस व्यवस्था जितनी भी है सब कह रहे हैं आप लोग घर जाओ जी। आपका नाम क्या है और कितने बजे आप आ गई थी? मैं आई थी यहाँ पे 4 बजे जी। और फिर क्या कहा गया है? यहाँ जाने की सुविधा ही नहीं अंदर जाने की। क्यों? क्या भीड़ ही इतनी हो रही है? भीड़ इतनी हो रही है। आपका नाम क्या है? राजरानी। आप कितने बजे आ गई थी? 4 बजे ही आए हैं। तो क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पे एंट्री नहीं हो रही है पहली बार, तो बच्चे जिद कर रहे हैं चलो चलो। देखिए छोटे छोटे बच्चे इनके साथ हैं और मुझे तो लगता है कि यहाँ भीड़ इतनी है कि अपने आप में एक गर्मी का भी अनुभव। हाँ बहुत ज्यादा, वो टीवी पे तो रोज ही देखते हैं, हमेशा हमने कहा पास में आए तो ना देख लेते हैं जी। जैसे आए तो यहाँ पे भीड़ इतनी है कि जाने की एंट्री नहीं हो रही है कोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं तस्वीरों में और अंदर जाने की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशि है जी। थोड़ा पीछे क्या कहा गया, क्या कहा जा रहा है अंदर जाने के लिए? मना किया जा रहा है। अंदर जाने के लिए कुछ नहीं कह रहा जी, अंदर जाने के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा। एक्चुअली भीड़ अंदर ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, इस वजह से सब पब्लिक को रोका जा रहा है। ये पुलिस प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा रहा, गलत नहीं निभा रहा। अगर पुलिस वाले कोई भी अंदर भेजते हैं तो अंदर वाली पब्लिक बाहर आएगी, तब थोड़ा बहुत खाली जगह हो तो अंदर भेजें, वरना पुलिस वालों को दिक्कत होएगी, कोई प्रशासन कोई दिक्कत ना हो ना जी। तो आपको क्या लगता है कि जगह छोटी चुनी गई या लोग ज़्यादा आ गए? एक आइडिया नहीं था कि जगह तो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन पब्लिक ज़्यादा हो गई है। वैसे भी ये जहाँ पर भी जाते हैं ऑटोमेटिकली हाउसफुल हो जाता है। वजह क्या मानते हैं? वजह भक्त, भक्त हाँ, भक्त जैसे कि भक्त ज्यादा होएंगे वही, और क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सरिता राठौर है और मैं मलिकपुर की रहने वाली हूँ। कितनी श्रद्धा है आपको धीरेन्द्र शास्त्री? बहुत ज्यादा श्रद्धा, इसलिए तो हम यहाँ खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं हम सब लोग, मेरी बुआ भी आई है मेरे साथ में जी। जाने के लिए क्या कह दिया गया? जाने फिर एंट्री नो एंट्री कर रखी है इन्होंने कि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है तो इसलिए अंदर नहीं जाने दे रहे। कितनी देर से इंतजार कर रही है? 1 घंटा हो गया मैं इधर खड़े 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 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि भीड़ बहुत ही ज्यादा अंदर, अब देखते हैं कब हमारी एंट्री की। हम सोचते हैं कि जो कल चले गए थे उनको बाहर भेजो या उनकी एंट्री बंद कर दो, जो नए आए नए जो भगत आए उनको अंदर भेजे। देखिए इस तरीके की तमाम समस्याएं जो है वो लगी हुई है और ये पंडाल छोटा है या व्यवस्थाओं की चूक हुई है या प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या सिक्योरिटी की क्या कुछ बातें हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली हैं। और तमाम जो श्रद्धालु, मुझे लगता है बाहर भी इतनी भीड़ हो चुकी है कि यहाँ पर भी व्यवस्था बनाने की जरूरत मुझे लगने लगी है, जहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। मैं आपके साथ हिमाचल और आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क।